इतनी ऊंचाई से तीखी चटनी के साथ ये पकोड़े। ये एक्चुअली ये फिश जो होती है वो डेड स्किन को पूरा खा जाती है। पेरी पेरी मतलब मुझे तो मिर्ची लगता है, देखो ढेर सारा मसाला। आज हम रोपवे की सवारी करने वाले हैं, इसलिए हम आए हैं रोपवे पे। और अभी हम जाने वाले हैं गन हिल। तो गन हिल हम जाएंगे रोपवे के थ्रू, शायद पहली बार है जब हम रोपवे के थ्रू जाएंगे, मज़ा आने वाला है। 180 का टिकट है राउंड ट्रिप का। 180 का? हाँ, एक बंदे का ना। एक बंदे का। मेरे को लग रहा है यहाँ पर लाइन लगी हुई है ना? देखते हैं। लाइन लगी है। हमारा नंबर कब आएगा? 10 से 12 लोग होते हैं और हम लाइन में लगाए हुए हैं, है ना? आगे वाले 12 लोग हैं, वो उन लोगों की बारी आएगी, उसके बाद हमारी बारी आएगी। हमसे पहले वाली ट्रॉली तैयार है, ये जाएंगी, उसके बाद हमारी बारी आएगी। गन हिल पॉइंट पे श्री शनिदेव मंदिर। वैसे आज संडे है और सैटरडे का जो दिन होता है वो शनिदेव महाराज का होता है और लोग इनको तेल वगैरह चढ़ाते हैं। और मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं बस यहीं से इनके दर्शन कर लेती हूँ। 2000 एक साथ कंटिन्यूसली लाइन में फोड़ने। नाउ यू आर प्रो ना, लगना चाहिए। यह लगा। दुकानें बंद क्यों हैं यहाँ की? इलेक्शन के चक्कर से लोग हैं। अच्छा, वही कितनी रौनक होती होगी जब यहाँ पर दुकानें होती हैं। उधर मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट है, घर है क्या उधर? अरे यार, टूटा हुआ पड़ा है, देखो कितना सुंदर बना हुआ था। हाँ, बंद कर रखा है। सो गन हिल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक हिल व्यू रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम चाय पी रहे हैं और पकोड़ों का आनंद ले रहे हैं। पकोड़े हमको गरम गरम मिलने वाले हैं और आलू गोभी था ना। वैसे है ना, मैक्सिमम दुकानें बंद है। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन की वजह से आधे से ज़्यादा लोग घर चले गए हैं। थोड़ा सा रौनक कम है मसूरी में। थैंक यू चाय, थैंक यू कुल्हड़ वाली चाय। हाँ जी, हाँ डालो डालो, जो डालना है डालो। आप नीचे ही रहते हो ना? नीचे, ये आपका घर है नीचे? ये हाँ, रेस्टोरेंट आप लोग सब मिलके बनाते हो। ये पकोड़े जो हमने ऑर्डर किए थे, ये मिक्स वेज पकोड़े हैं और ये बहुत बहुत सारे, इसमें 4 लोग खा लेंगे आराम से। तुम खा, हम दोनों मिलके खा लेंगे इसको। इसलिए तो मेरे को खाना ट्राई करने में भी दिक्कत होती है। अभी यार एक जगह यहाँ ट्राई करो, फिर उधर जाओ, उधर भी इतना सारा, फिर कैसे? इतना तो पेट तो उतना ही है ना। गनिल बेसिकली आप रोपवे से आ सकते हो और यहाँ पर आके आप चाय पियो और खाने पीने की चीज़ें हैं। हॉन्टेड हाउस है, वही सेम जो कंपनी गार्डन में था, बट ये है कि ये हिल टॉप पे है, तो इसका भी अलग मज़ा है। पकौड़े देखते हैं, चटनी के लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, तो अच्छी होगी चटनी, अच्छी है, तीखी है और बहुत मज़ा आ रहा है। सीधी सीधी इतनी ऊंचाई से तीखी चटनी के साथ ये पकौड़े, ये शायद आलू का पकौड़ा है। यहाँ पर हॉन्टेड हाउस भी है गन हिल पर आप आओगे तो, और मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि 2 मंजिला है और इसका 70 रुपये चार्ज है। वैसे पता है हॉन्टेड हाउस में डर नहीं लगता, पर पता है क्या होता है, जैसे आप चिल्लो के जा रहे होते हैं आराम से, बस
और सेम टाइमिंग इतनी सेम होती है ना, आपके ऊपर एक कंकाल गिरेगा और वो जो चिल्लाने की आवाज है दोनों साथ में आ जाओगे, दोनों साथ में आएगी। कितने का बताया भैया? ये 200 का सर। ये देखने में बहुत हेवी लग रहा होगा, बट बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। इसका ये क्या भैया? फिश एक फिश स्पा। भैया कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली ये फिश जो होती है वो डेड स्किन को पूरा खा जाती है और आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे गुदगुदी हो रही हो। सी यही गरज बरस काली घटा बरसी, हम यार वीर जाएं इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली लतों को सुन जाऊं। कॉपीराइट लगेगा, पीछे गाना चल रहा है। आज तू मेरा कंगन, इट्स लाइक अ क्वीन। मुझे भर ले अपनी पर्सनल, खुद का पर्सनल चट्टान सीट है। ते जाते ना हमको ये रेस्टोरेंट पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर दूरबीन पॉइंट भी है जहाँ से एक दूरबीन लगी हुई है, वहाँ से आप दूर दूर तक की मसूरी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके भी चार्जेस हैं। हाँ उसके चार्जेस होंगे यार, फ्री में थोड़ी रखा होगा। गाने अच्छे चला रखे, मजा आ रहा है। सो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए हैं मोमोज, पर ये कुछ पेरी पेरी मोमोज हैं। और पेरी पेरी मतलब मुझे तो मिर्ची लगता है, देखो ढेर सारा मसाला। पर ये बात अच्छी, क्वांटिटी कम है क्योंकि जहाँ भी हम खा रहे हैं हमको बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है और उसको खाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और ये मोमोज वाली चटनी थोड़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। कैसे? अच्छा ये बताओ, एक मिनट मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ, इधर हो जाओ फिर। क्या किस चीज का लुक है ये? ये वाला कौन सा लुक है? राजा का लुक है। और ये डाकू, राजा और डाकू एक साथ करने के लिए। और वो रानी, रानी डाकू उसको छीनना चाह रहा है। वो डाकू भी पहले से कहाँ से आए हो आप लोग? लखनऊ। लखनऊ से? बट करंटली फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। और यहाँ आकर आप बहुत बहुत इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने भी शायद एक से डेढ़ घंटा यहाँ पर हम इंजॉय कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर और वहाँ हम एक दो मार्केट है वो विजिट करेंगे और कुछ मॉल रोड की खाने पीने की चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर बहुत 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 मज़ा आया। वैसे मुझे हर जगह ही मज़ा आता है। मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है कि कभी धूप आ जा रही है और कभी है ना छाँव हो जा रही है। देखो मैं इंट्रो दे रही थी तब तक थोड़ी छाँव थी और अभी बिल्कुल सूरज बिल्कुल तेज हो गया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर कुछ बच्चे फोटो खिंचाते हुए पहाड़ी ड्रेस में।